भारतवर्ष एक महान परंपराओं का देश है। आज भी यहाँ के सामाजिक जीवन के रंगों में प्राचीन वंशों का रक्त उनके कुल गौरव एवं सांस्कृतिक गरिमा को प्रवाहमान करता है। जिन अनेक मूल पुरुषों के नाम से इस राष्ट्र का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन माना जाता है, उनमें श्री भगवान सहस्त्रार्जुन का भी नाम भारत की अनेक जातियां अत्यंत श्रद्धा से स्मरण करती हैं। इसी कड़ी में भारत का विशाल समुदाय जायसवाल समाज की राष्ट्रीय एकता व अखंडता को एकजुट करने के लिए जायसवाल फाउंडेशन द्वारा एक भव्य मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई के कोने कोने से आए स्वजाति बंधुओं ने समाज के उत्थान के लिए अपने अपने विचार विमर्श किए, तो वहीं समाज के कई समाज सेवियों ने फाउंडेशन को मजबूती प्रदान करने के लिए आर्थिक मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ाया। जायसवाल समाज के लिए दूर दराज से जो भी समस्याएं खड़ी होंगी उस समस्याओं का निदान करने के लिए जायसवाल फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन किया गया है। मैं कहना चाहूंगा अतिथियों के स्वागत में, कौन कहता है कि रिश्तों में जलन कड़वाहट बसती है, कौन कहता है कि रिश्तों में जलन कड़वाहट बसती है, जायसवाल फाउंडेशन में आकर देखो यहाँ केवल सौगात बढ़ती है। डरना अब आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तम सारे जिससे डर कर छड़ जाते हैं, एक नूर पहे रुमानी सा रोशन या आलम हो जाए, आओ हम सब मिलकर जायसवाल फाउंडेशन को ताकतवर बना जाए। हमारे अतिथिगण माल्यार्पण कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, बड़ा ही आनंदित क्षण है। जायसवाल फाउंडेशन ने हमको एक लाने की जो कोशिश की है, मेरी तरफ से
क्योंकि इनका एक ये भी है एम है कि न्याय हक की लड़ाई है। तो जो एक वकील के नाते मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आप कभी भी मेरे पास अगर किसी भी आशा अपेक्षा से अगर आए तो मैं आपकी पूरे दिल से आपका स्वागत करूँगा और आपका पूरा सहयोग और समर्थन करूँगा। और मैं चाहूँगा जयसवाल फाउंडेशन दिनों दिन तरक्की कर गया है और कुछ अपने समाज के कुछ लोगों का भला कर सकूँ तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। मुझे मेरी एक दुखद घटना हमारे परिवार में हुआ, हमारी पत्नी श्रीमती उषा जायसवाल का देहांत हो गया, फिर भी मैं समाज के लिए आप सभी से सहयोग चाहूँगा। और मैं जायसवाल फाउंडेशन फाइनली में कहा था, जायसवाल फाउंडेशन में मेरे तरफ से पर्सनल 11,000 रुपया संतोष जी में डोनेशन देना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने इच्छा शक्ति इस संस्था को डोनेट करेंगे, सहयोग देंगे। दूसरी बात, मैं एक बात और यहाँ से पर अनाउंस करना चाहता हूँ, उनके आने वाले स्मृत दिन में मेरे नाम से जायसवाल फाउंडेशन को एक एम्बुलेंस उनके नाम से मैं देना चाहूँगा। सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर पधारे हैं। माननीय श्री ओमकार जायसवाल जी आज के मुख्य अतिथि श्री विश्वनाथन साहब जी का स्वागत कर रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। आप सभी से निवेदन है, करवत प्रार्थना है, कृपया तालियां उनके लिए जरूर बजाएं जिससे हमारा मनोबल आगे बढ़े। स्टेशन को बड़ा करने में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे हम आजीवन नहीं भुला सकते हैं, इसके लिए हम अभिनंदन करते हैं। कृपया जोरदार तालियां हो जाए हमारे लोगों साहब के लिए कि हमारे सिंगल सेल में ड्राइवर रहेंगे। आपकी कोई समस्या होगी, मनोज जी है, राम प्रसाद जी है, ये कभी भी आपको निःशुल्क सेवा देंगे, ऐसी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। स्वागत समारोह चल रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है, तालियां बजाना न भूले। इधर देखिए अंकल, आप अभिनंदनी है, वंदनीय है। बोलिए शस्त्रवाह भगवान की। भगवान ने कहा कि मौत तो तुझे मैं अभी दे दूं, लेकिन जायसवाल फाउंडेशन ने तेरी जिंदगी की दुआ मांगा। हमको इस बात का कोई भी मलाल या अफसोस नहीं करना चाहिए कि कहां भी फूट हुआ, कहां फाट हुआ, क्या हुआ। कोई भी संस्था है वो काम कर रही है किसके लिए, सिर्फ जायसवालों के। तो हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं रखनी चाहिए, हमें किसी से कोई मलाल नहीं रखनी चाहिए। जायसवाल फाउंडेशन का यहां पर शुभारंभ किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप जायसवाल फाउंडेशन के माध्यम से? क्या मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जायसवाल फाउंडेशन जो है दिन दूनी रात चौगुनी समाज की सेवा में अग्रसर हो। और समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज के लिए मैसेज ये देना चाहूँगा कि जायसवाल फाउंडेशन जो है सिर्फ दो कार्यक्रम करे, पूरे साल में दो कार्यक्रम करे, एक युवक युवती परिचय सम्मेलन करावे और सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करे। उसमें जो भी सहयोग होगा अखिल बम्बई जायसवाल सभा जो है जायसवाल फाउंडेशन के कंधा से कंधा मिला करके चले। जायसवाल समाज के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिस तरह से लोगों का ऐसा कहना है कि हम एकजुट नहीं हो पाते हैं, तो आपकी संस्था किस तरह से यह प्रयास करेगी कि लोग एकजुट हों और एक बैनर तले आए और समाज का भला करें? देखिए, यही तो हमारा दुर्भाग्य है। हम पूरे मुंबई में फैले हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे में एकजुटता नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि समाज के जितने भी अलग अलग जो संघ हैं हम सबको मिला के एक साथ काम करें और जो भी जायसवाल लोगों की जो भी समस्याएं हैं उस पर पूरी तरह से तनो मन तन मन धन से लगाकर हम उनकी मदद करें। आपकी संस्था नई क्या करती है? हमारी संस्था का सबसे बड़ा जो एम है वो है न्याय हक की लड़ाई। आज हम अगर देखा जाए तो पिछड़ा हुआ तबका जो है उसको सबसे बड़ा जो तकलीफ होता है वो न्याय नहीं मिल पाता है। क्योंकि मैं खुद एक वकील हूँ, इस नाते मैं यह अपने आप सबको आश्वासन देता हूँ कि आपके न्याय हक की लड़ाई के लिए मैं कंधे से कंधा मिलाकर सवाल। समाज के लिए कई संस्थाएं हैं, आपकी संस्था किस तरह से काम करेगी और किस तरह से इसको ख्याति प्राप्त? जो लोगों ने भी संस्था जायसवाल समाज के लिए किया है वो जायसवाल समाज के
को सहयोग करने के लिए किया है, लेकिन आपस में मतभेद होने के वजह से लोग जायसवाल समाज तक जो ऊँचे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वहाँ तक तो पहुँच पाते हैं, लेकिन सलम में जो जायसवाल समाज है, जो फुटपाथ पर धंधा करते हैं, फेरी वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, मजदूर हैं, वो उन तक वो पहुँच नहीं पाते हैं और उनको सहयोग और मदद नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर जायसवाल फाउंडेशन की स्थापना करने पर, कि गरीब स्तर के लोग गरीबी में जो जी रहे हैं, पल रहे हैं, झोपड़पट्टी में सलम में रह रहे हैं, फुटपाथ पर धंधा कर रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को हम सहयोग करेंगे और उनके बाल बच्चों को शिक्षित करने का के लिए हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे और सहयोग करेंगे।